Resident Evil 4. मेरा प्लान था कि मैं ये गेम तभी स्टार्ट करूंगा जब ये फुल रिलीज हो जाएगी, जो कि अभी 5 दिन बाद हो ही जाएगी. बट इन द एंड मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना डेमो भी खेल ली जाए. तो हियर वी आर. अब इस गेम के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फुल रिलीज के लिए स्पेशली. जिनको नहीं पता मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि ये गेम मेरा जो चाइल्डहुड गेमिंग एरा था ना, उसका सबसे बड़ा पार्ट थी. ये गेम मैंने बचपन में बहुत खेली है, ट्रस्ट मी. मैं इस गेम को बहुत बार पार कर चुका हूँ. मैंने हर तरीके से ये गेम पार करी है. मैंने सारे कोने छाने इस गेम के. मैंने सारे जो एक्स्ट्रा गेम प्ले ऑप्शंस होते थे ना, जिसमें वो कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, कभी कुछ करना है, वो भी खेले हैं इसमें. ये गेम मेरी फर्स्ट हॉरर गेम थी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खेली थी. ये या फिर हाफ लाइफ, इन दोनों में से कोई एक. जब मैंने ये गेम पहली बार खेली थी, मेरे को इंटरनेट के बारे में, यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था. ये गेम मुझे मिली कैसे थी मेरे पीसी में, ये भी मेरे को याद नहीं है. या तो मुझे किसी सीडी में मिली थी या मेरे किसी फ्रेंड से मिली थी, आई डोंट इवन रिमेम्बर. इस गेम में बीच में बहुत से ऐसे पार्ट्स आते हैं जहां पे मेरी हालत खराब हो जाती थी. मैं डर जाता था, इतने हॉरिफिक पार्ट्स थे इसमें, इतनी हॉरिफाइंग लगती थी उस टाइम ये गेम. इसीलिए ये मेरी फेवरेट भी बन गई थी. हॉरर गेम्स तो मैंने बचपन में भी बहुत खेली थी, लेकिन ये और हाफ लाइफ वो हाई क्वालिटी बार पे थी जो मेरे को पसंद आई थी. आज मैं फाइनली अपनी वन ऑफ द फेवरेट गेम्स को हाई क्वालिटी में खेलने वाला हूँ, एकदम क्लीन ग्राफिक्स के साथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. हियर वी गो. सितंबर 30th, 1998. इट्स अ डे आई विल नेवर फॉरगेट. द कॉप इनसाइड मी डाइड दैट डे. दैट नाइट रैकून सिटी वाज वाइप्ड आउट थैंक्स टू द बायो वेपन्स क्रिएटेड बाय अम्ब्रेला. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. BTS ka member kyun lag raha hai tu yahan pe? Punishing missions nearly killed me. Krauser! At least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. Even for a second, this time it can be different. ये Resident Evil 3 वाले parts अच्छे लग रहे हैं मेरे को, ऐसे दिखाया हुआ इन्होंने. पुराने game में भी ये backflash थे क्या? I don't remember. उस time तो Resident Evil 3 खेली भी नहीं थी तो पता नहीं है. अच्छा, 6 साल हो गए Resident Evil 3 के बाद का part है ये. अब हम President की daughter को ढूंढने जा रहे हैं, Ashley. Here we go. ओए सीधा शुरू हो गए अब तो. अरे भाई बहुत ही न्यू वाली फीलिंग आ रही है, सही बताऊँ तो. सी व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग. अबे वो हम तो, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट विलेज में छोड़ दिया क्या मेरे को स्टार्टिंग पे तो हम. अच्छा ये क्रैश व्रैश हो गए, हो गया काम. हेलो पुलिस वालो, आर यू डेड? तुम्हें थोड़ा भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला डेमो में? बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा है पर. पहले ना वही है, येलोइश थी गेम. भाई कितना चेंज हो गया ये विलेज वुलेज सब, बहुत सही लग रहा है ये फीलिंग. वो ग्राफिक्स वाली फीलिंग बड़ी सही लग रही है, एकदम हाई टेक. एक बढ़िया वाले स्पेक्टिकल्स पहन के खेल रहा हूँ मैं ये गेम, वो वाली फीलिंग आ रही है. जैसे ये लाइट शाइन मार रही है मून की, पेड़ इतने घने हैं, फॉरेस्टी टाइप इलाका है, और ये फॉग, ये सब नहीं था गेम में पहले. तो ये इफ़ेक्ट्स ना बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं अब. पहले तो बिल्कुल खुली खुली थी, ऐसा लग रहा था दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है. ओ कहाँ से? उस साइड से. लेट्स गो यार. अरे कैसे शोर मचा रहे हो? ही ओ, मेरे को यही देखना है कि कितना कुछ लाइक इस वाली गेम में चेंज किया होगा उन्होंने सिनेरियो वाइज, जो कट सीन्स आएंगे. आई एम सो हैप्पी भाई. ये डिसगस्टिंग चीज़ है, अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ी. ओ यार ये तो हाँ, पर इन्होंने तो ज़ोंबीज़ की ऐसे ऐसी कर दी होगी भाई. ये तो इतनी मुश्किल से मरेंगे मेरे से, क्योंकि पुरानी वाली गेम में बहुत जल्दी मर जाते थे ज़ोंबीज़. या एक ऐसी डिसगस्टिंग चीज़ दिखाना तो ज़रूरी है, किताबों में लिखा हुआ है. कोई रेजिडेंट ईविल गेम बिना इसके कैसे बन सकती है यार. विलेज बड़ी दूर है यार, उस टाइम पे तो दूर से ही दिख जाता था, अब तो ये पूरी ये पूरे पत्तियों का जंगल सा बना रखा है, दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक कुछ. इन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा सिनेरियो लग रहा है मुझे. ये डेमो भी तो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं पर. ओ गिव मी द, नहीं ये नहीं, मैं गन होगी मेरे पास, यहाँ पे हमें गंडासा वगैरह नहीं मिलेगा.
भाई ट्रस्ट में ये बहुत कंजेस्टेड है भाई, सांस लेने की जगह सी नहीं मिल रही, इतना कंजेस्टेड सा बना रखा है ये। पहले तो बहुत ओपन था ये, वही है यहाँ पे हमें हमारा पहला विलेजर मिलेगा जो कि इंग्लिश नहीं जानता होगा बेचारा। दिस गेम इज सो डार्क राइट नाउ भाई, पहले बहुत येलोइश ब्राइटनेस थी दुनिया भर की। हेलो अंकल जी, मैं आ गया 10-12 साल बाद आपसे मिलने, हाउ आर यू? इंग्लिश सीखी आपने थोड़ी सी इस लेटेस्ट वर्जन में? अरे भाई ये तो बहुत अजीब लग रहा है। ये तो लग ही नहीं रहा मैं पुरानी गेम खेल रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। Anyone home? अंकल जी एनीवन क्या भाई, तू भूल गया हमारे अंकल? अरे भाई गेट बंद हो गया, जादू। लियोन हाउ कैन यू फॉरगेट, वो हमारे प्यारे अंकल जी जो पहला सेक्रीफाइस बनेंगे। वो बड़ा लंबा सा, इतना बड़ा घर तो नहीं था अंकल तेरा, और जमीन खरीद ली उधर वाली भी। वो बड़ा लंबा घर है ये, इतना लंबा नहीं था आई प्रॉमिस। ये बंद होगा वो, ओ भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं पहले गेट नहीं था यार, आई एम प्रिटी श्योर। बड़ी छोटी जगह थी इसकी। अरे इन्फ्लेशन का क्या भाई, तेरे पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं? तूने अपने पड़ोसी की जमीन खरीद के बड़ा कर लिया क्या घर? ये उधर है वो, तो मैं पहले इधर एक्सप्लोर करता हूँ जरा। चेंजेस तो हैं भाई, बिल्कुल वो वाली फील नहीं आ रही। ये क्या है? क्रॉस क्रूड चार्म जजमेंट इज नाई, पैसे वाला कितना ही हो जाए ये, देखो गंद मचा रखा फिर भी घर में रहन की तमीज ही ना आए, थोड़ी सी सफाई नहीं, बस कुल्हाड़ी चलाना आता है इन्हें गर्दन पे। अंकल जी हेलो, कॉफी मिलेगी थोड़ी सी? अभी भी गुस्से में हो भाई? यहाँ पे देखो ये वाली जो दीवार है ना, ओ भाई साहब इस दीवार के यहाँ पे आते ही कट सीन चालू हो जाता था, मुझे इतना भी याद है, मेरे को तो बहुत याद है इस गेम का। ओ भाई ये क्या है? अच्छा मुझे लगा बॉडी पड़ी है। ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, पहले उसका घर बहुत छोटा था भाई, इतना तो हम चलते ही नहीं थे। चलो आगे चलते हैं, इधर होगा। बहुत क्लीन लग रही है पर गेम, वो भाई बहुत मैसिव है इसका घर, चोखा भी रहा छोरा। ओ हैंडसम भी थोड़ा सा, वो वाला अगली था काफी। इसने तो बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी। इट्स वेरी क्लीन भाई, गेम बहुत प्यारी लग रही है। वो ये तो फुल स्पैनिश बोल रहा है इसमें। लियोन छोरा हमारा हैंडसम बहुत है। लियोन कैसा पुलिस ऑफिसर है तू ऐसे? भाई किक तो बड़ी जबरदस्त। डैम लियोन हेलो, मेरे को गोली चलाने का मौका भी नहीं भाई साहब। दिस इज वेरी गुड, लेकिन भाई बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ गिव मी द की, थैंक यू। ये बंदा देखो, इसकी तो पूरी गर्दन मोड़ दी इसने। लियोन बाय द वे तूने अपनी बैग क्यों दिखाई इसे? भाई इसकी शक्ल से ही तेरे को लग रहा था ये ड्रंक है या कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ है इसमें? नोप। इस गेम ने तो पहला बड़ा चेंज कर दिया यार, इसे हम मारते हैं उसमें, इसने खुद की क्विक पेल के कर दिया काम। क्या बना रहा था ये? डिस्गस्टिंग ह्यूमन पार्ट्स होंगे शायद यहाँ। ओह मे बी नहीं, अबे इसकी आंतड़ी पांतड़ी सी निकाल रखी। पावर ड्यूरेबिलिटी वो काफी कुछ है भाई, कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है सिनेरियो। इसमें इन्होंने ड्यूरेबिलिटी डाल दिया और उसमें एक ही नाइफ होता था हमारे पास, खामा खा का मुश्किल बना रहे हो तुम। अच्छा स्पेस से ये बाल देखो क्या लहर रहे इसके। लियोन स्टाइलिश, शोर सा मचा था भाई, क्या हो गया? गांव वाले आ गए? सॉरी यार उस बंदे की भी गलती नहीं है यार, मैं उसके घर में वैसे ही आ गया बिना नॉक किए, ऑब्वियसली गुस्सा होगा वो। मुझे सिर्फ अब ज़ॉम्बीज़ की हेल्थ देखनी है बस। भाई इसका चोखा बड़ा घर है यार। हाँ दुनिया भर के क्रॉस वगैरह कैनिबलिज्म की निशानियां हैं ये। अबे फंदे भी, वो बहुत डार्क। ओ भाई साहब किसको मारा हुआ है तूने? ये एनिमल है, लग तो नहीं रहा कोई जायंट मॉन्स्टर को काटा हुआ है।
अच्छा ये देखो, इसके जो आगे हमें डॉगी मिलेगा यही है वो बंदा जो ट्रैप बिछाता है उन डॉगीज के लिए। हेलो, धप्पा ना करना। वैसे तो कोई नहीं है, पर गांव वाले क्यों नहीं आए? शोर नहीं मच रहा? What the hell? इसे काट रखा है, ये वही है। I read you. What's your situation? The hell's going on? लियोन को बड़ा इंप्रूव कर दिया यार इसमें, आधे से ज्यादा डिसीजंस तो ये खुद ही ले रहा है। ऊपर से ये पिछली गेम में स्पैनिश नहीं बोलता था, ये स्पैनिश में कभी इस विलेजर से बात नहीं करी, लेकिन इसमें खुद स्पैनिश बोल रहा है। पहले तो एक बेचारा कंफ्यूज्ड था। ये पुलिस वाला भी डिफरेंट है। देखा, ये चीज़ें इन्होंने जो चेंजेस मारे हैं ना, आई मीन अच्छा है, मेरे को एक न्यू गेम की वाइब भी मिल रही है, बट वो पुराना नॉस्टैल्जिया फील नहीं हो रहा। अब ऐसा लग रहा है मैं कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रहा हूँ। एक क्या, कोई आ गया? ओए ओ भाई, ये तो यही है लै भाई। नहीं यार, इन्होंने वही बना दिया, भैंस के डर लग रहा है अब भाई। ये ऐसा क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। नाइफ मेरे पास ही है ना अभी भी। हाँ ये ठीक है। अबे इन्होंने बना दिए टफ ज़ॉम्बीज भैंस की। सोल गेम बनानी जरूरी है? 5 गोलियां खा गया ये अभी मेरी। इसमें वो किक विक तो अभी भी है ना, क्योंकि मैं इनके घुटनों पे मारता हूँ तो ये बैठ जाते हैं, फिर मैं किक मार सकता हूँ इन्हें। वो सब इन्होंने हटा दिया होगा ना, मूड खराब हो जाएगा। चलो भाई ऊपर चलते हैं। बहुत डिफरेंट है यार, पर वो वाला वो सब हुआ ही नहीं कुछ भी, जो मैं माइंड में जो लेके चल रहा था वो सब तो हुआ ही नहीं। स्टोरी चेंज कर दी इन्होंने बहुत, जिस हिसाब से ये काम कर रही है। ले उसके घर में बढ़ गए, घर में तो बढ़ते ही नहीं थे ये। अरे तुम कहाँ से आ गए भाई? गुस्सा करेगा ओनर, जो कि डेड है, लेकिन पता भी नहीं वो डेड है या नहीं। अबे कैसे दूध कमरों में घूम रहे हैं? हेलो दू फर्स्ट तेरो ले भाई। भाई ये गेट भी खुल गया। वो भागना नहीं है, भागना नहीं है, रुको। अबे यहाँ के बुड्ढे तो नीचे बैठ। यस यस यस, बैठ नीचे। नो नो, वो पता ओ भाई, ये तो बहुत बढ़िया था, कैसे किया मैंने? मैंने उसकी वो ब्लॉक, भाई साहब ये तो बड़ा जबरदस्त था यार। इसके ये मिली कॉम्बैट बड़ा सही बनाया है इन्होंने। ओ भाई गिव मी दैट। आई गेस फाइटिंग इतनी बुरी नहीं है, फिर मजा आने वाला है। हेल्थ पी लेते हैं। ऑलराइट, अब मैंने इन दो ज़ॉम्बीज को मारा। अगर मैं पिछली गेम में ये दो ज़ॉम्बी मारता ना, 15 बुलेट मिल जाती मेरे को, लेकिन अब इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब ढूंढना पड़ेगा मेरे को बुलेट्स को। ऊपर चलते हैं। कोई है? वो यही वो टाइम है जब ये जंप मारेगा मे बी। एशले रूस, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, baby eagle. Ye to same hi hai. Likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Whoa! But bade aggressive. I'll let myself out. Yay! अभी हम जाएंगे विलेज की तरफ। चेनसॉ मैं आ रहा हूँ। तेरे को जंप मारनी नहीं आती? टिटक ले। डर गया, वो हाइट ज्यादा है। एक्रोफोबिया भाई तेरे को भी। Oh, game looks clean. आई एम काइंडा हैप्पी कि इन्होंने थोड़े से चेंजेस रखे हैं, बट मुझे नॉस्टैल्जिया वाइब भी नहीं आ रही क्योंकि चेंजेस हैं। वाओ, बट गेम बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई। स्पेशली वो जो मिली के साथ इसने किया ना भाई, वो कॉम्बैट बड़ा सही लग रहा है मेरे को। आई एम प्रीटी श्योर ये चक्कू के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया होगा।
क्राउजर्स के साथ जो फाइट होगी आगे जाके, ओ माय गॉड मजा आ जाएगा। हाँ ये ब्रिज याद है मुझे। ओ भाई क्रो देखो, जापानीज क्रो है, इतना मोटा क्यों है ये? ओले मेरे पास वो ही नहीं है, इसे मार सकते हैं हम, उड़ जाएगा पर ये वही सैड। बैरल हियर आई कम। यस 12 नाइस। चलो ये अमाउंट तो अच्छा है, आवाज आ रही है मुझे, लेकिन पहले इधर। अबे यार ये गन पाउडर का चोचला करना जरूरी है? चुपचाप बुलेट दे दो मेरे को, मैं सेव नहीं कर पा रहा इनकी वजह से। क्लोज है क्या? एक्सक्यूज मी, अबे किसी के घर में हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कब किसी के घर में घुस जाता हूँ। ओपन एरिया, आई लाइक इट। यस मारना तो था ही, क्योंकि ये देते हैं कॉइन्स। गिव मी दैट। पेस्टास, यस यहाँ की करेंसी पेस्टास है। अबे ये वही डॉगी है? नहीं दूसरा होगा। क्या इधर कोई है? ओ गिव मी दैट। ये गेम खेल के लग भी नहीं रहा मैं रेजिडेंट इविल 4 खेल रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। ओ गिव मी दैट। एक मिनट, अच्छा 150 पेस्टास। अबे आवाज तो आ रही है, तुम्हारी दिख नहीं रहे तुम लोग मेरे को। नहीं पूरा स्टेरो नहीं, ऐसा नहीं करते। ओ गिव मी दैट भाई, ये ओ भाई साहब यही करा मैंने दोबारा। आई थिंक मैं ओके मैं वो कर सकता हूँ, नहीं आई थिंक टाइमिंग की बात है। यस ओ भाई साहब सैटिस्फाइंग। ओ भाई तू तो नहीं, मारो मारो चक्कू मारो। यस नहीं ओ सैटिस्फाइंग भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। यस हो गया, आई लाइक दैट। वो इन्होंने बहुत बढ़िया करा है भाई, क्या वो पैरी, हम पैरी कर सकते हैं रेजिडेंट ईविल में फाइनली। ओ भाई ये तो बहुत सही है, आई डोंट थिंक हम पुरानी गेम में पैरी कर सकते थे, ये बहुत सही डाला है इन्होंने। लेट्स गो, फाइटिंग में तो एटलीस्ट मजा आएगा भाई। लेकिन ये जंगल वाइब्स ना बिल्कुल मेरे को वो पुरानी गेम की याद नहीं दिला रही, ये तो बहुत चेंज है, आई मीन इन अ बेटर वे। अब मैंने देखा नहीं, ला फंस गया मैं, सॉरी लियोन भूल गया था भाई मैं। ये ट्रैप ना पिछली गेम में इतना दूर से नजर आ जाता, इसमें भाई दिख ही नहीं रहा है कुछ। वो बच गया पर मैं, भाई मैंने स्पेस दबा दिया और उसने वो पैरी कर दिया, क्या प्यारा डाला है इन्होंने ये। मैं कितना स्ट्रांग हूं, ये चीज ना बाकी रेजिडेंट इविल गेम्स में चाहिए थी हमें, जो रेजिडेंट इविल 3 और 2 इन्होंने रीमेक्स बनाए हैं, डाल देते यार इसमें भी तो डाली है। ये पैरी वाला सिस्टम तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो ये अपने गंडासे से लेके सीने पे चढ़ जाते थे ना, एटलीस्ट अब वो नहीं होगा, अब अपनी स्किल पे है ये कि तुम किस टाइमिंग होगी ना पैरी की। क्योंकि भाई वो सेव क्या प्यारा था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे छुपा होगा ये ड्रामा। विलेज के पास पहुंचने वाला हूँ आई थिंक मैं। ओ भाई साहब गेट, हाँ ये गेट याद है मुझे, पर ये ऐसे खोलता नहीं था, हम तो वो ब्लर हो जाते थे स्क्रीन में बस। ओए विलेज आ गई, ओए ये पार्ट पे मैं बचपन में इतना परेशान हुआ हूँ भाई। यहाँ से देख सकते हैं आई थिंक हम, या अब जला देगा उसे आगे है, जलाओ भाई। अच्छा मैंने ट्रिगर करा है। नहीं आई डोंट केयर, मेरा भाई नहीं है वो, मैं जानता भी नहीं हूँ ब्रो तेरे को। एक बढ़िया सीन देखने को मिल रहा है बल्कि हमें, बड़ी जल्दी मर गया यार, तड़पा ही नहीं थोड़ा सा भी। तुम्हारी आग बहुत बढ़िया थी, स्मार्ट हैं ये लोग, सिविलाइजेशन को आगे लेके जाएंगे। ऑल राइट बहुत हो गया। ओ हाँ ये इन्होंने ये रास्ता भी बना रखा है, मैं पीछे से भी जा सकता हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं इतना अटका हूँ, इतना घूमा हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ भाई, बहुत बुरी यादें और अच्छी यादें दोनों ही हैं। लेट्स गो। तो मैंने इस साइड से भी ये पार्ट क्रॉस करने की कोशिश करी है और मेन से भी, और मैं पता है क्या, मेरे को पता नहीं था जब तुम इस वाले घर में जाते हो ना, और बहा लिए ये ड्रम में,
हेयर वी गो. लियोन को भी पता है ये बहुत लंबा होने वाला है ये सिनेरियो. फाइट देम ऑफ. कहां से इतने तो वो भी नहीं है मेरे पास. गिव मी दैट पेस्टास. नहीं डोंट डू इट. नहीं धक्के. ये बहुत बढ़िया है कि अरे हाँ ड्यूरेबिलिटी कम होगी पर मेरे नाइफ की है. चलो ये भी सही. नहीं ब्रेक फ्री. यहाँ पे मज़ा आएगा भाई. ये फाइट में मज़ा आएगा. रुको मैं कुछ और कर सकता था. नहीं एक्चुअली भागो मेरा नाइफ जाएगा. गिव मी दैट. ऑल राइट. जब तुम इस घर पे जाते हो ना सामने तो एक लाइक कट सीन ट्रिगर हो जाता है. मुझे ये पता नहीं था जब मैं पहली बार खेल रहा था तो मैं क्या करता था. मैं यहाँ आ जाता था और ऊपर चढ़ जाता था मैं. क्योंकि ये लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते. और अब मैं अगर यहीं पे बैठा रहूँ ना तो वो ग्रेनेड फेंकने लग जाएंगे हर ऑफ कोर मेरे ऊपर. क्या ये नहीं. ओए ये क्या है. ये चेंज है भाई. हेलो. वो भाई सीढ़ियाँ नहीं टूटती. व्हाट द फक इज दिस. ओए नहीं मेरे को ये प्लान का हिस्सा नहीं था. आई एम सो सॉरी. मेरे को क्यों नहीं बताया तुमने. चेंज कर दिया ये सब कुछ. वो भाई सीढ़ी टूट गई यार. पहले ऐसा नहीं होता था. अब तो डर लग रहा है मुझे. मेरा सेफ स्पॉट कहाँ गया. चल तेरी. नहीं. वो क्यों. तूने वो क्यों नहीं करा. अच्छा वो भी ब्लॉक. वो भी पैरी कर रहा है हरामखोर. नहीं भाई मेरे पास तो. अरे घड़े ही है. मार दिए रे. ओ मेरा नाइफ गया. शेट. सही में शेट. सही में शेट. नहीं धक्का दे रही आंटी. आंटी पीछे से मार रही. बस की प्राइड ही नहीं है. रुको यार क्या हो रहा है ये. हाँ ठीक है समझ गया. अरे समझ गया मैं एक्सपर्ट हूँ इस गेम का. रुको जरा फ्लैश बैंक दो जरा मुझे. फ्लैश बैंक आउट. ये चल तेरी. व्हाट व्हाट द फक. ये यहाँ से क्यों ट्रिगर हो रहा है. ओ भाई तेरे को किसने बोला. वो ये तो बड़ा क्लीन बना रखा है यार. बड़ा सही बना रखा है वो. अबे पहले यहाँ से ट्रिगर होता था भाई. चेंज. हाँ भाई ना. बड़ा सही बना रखा है तो. Why this is amazing. तोड़ दिया भाई बड़ी जल्दी. तोड़ दिया तुमने तो. रुको. अरे चैन सो तेरी. रुक जा भाई. शॉटगन ले सकते हैं ऊपर से पर पहले ये तोड़ ले. Give me that, give me that. आ रहा है वो. आ रहा है ड्रामा. रीलोड मारो. Give me the shotgun. Nice. Okay, सबसे पहले तो नाइफ मिला मेरे को नया. नहीं आई थिंक. बॉयज ऐसा नहीं करते. गिराओ बैस की. भागो. लियोन भी लंगड़ा के चल रहा बेचारा. ओ आंटी सॉरी. किसी के घर में घुस गया मैं. वो बेचारी बैठी हुई थी. एक्चुअली फ्लैशबैंक खत्म हो गए मेरे पास. नहीं आंटी. सॉरी आंटी सॉरी. अरे ऑल राइट भाई. डेथ का तो बड़ा सही है. वो जो ये जो वूंड वाली डिटेल्स डाली है ना इन्होंने बहुत बढ़िया है. जब उसने मेरे यहाँ मारा तो वो ब्लड बह रहा है और ये सब बहुत प्यारा लग रहा है भाई. Most enemy attacks can be parried with some exceptions. Time a parry just right and the enemy will be staggered. ये बहुत बढ़िया है भाई ये. अरे यार मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था. भाई ये तो क्या कर दिया इन्होंने. क्या मैं पुलिस वाले को बचा सकता हूँ अगर मैं उसे मार दूँ तो. नहीं आई थिंक कोई ना कोई उसे जला ही देगा राइट. मैं देखना चाहता हूँ. स्टेल्थ मोड भी है इसमें. Awesome. ओ मैंने फ्लैश तोड़. हाँ बच गया राइस. अब तुम्हारी कैसे. आराम घोरो. आओ. नाइस. ओह एक सेकेंड. ये इसने कैसे पकड़ा हुआ है लियोन ना. ओह अरे नहीं भाई पीछे से पकड़ लिया. मुझे बहुत मजा आ रहा है. इन्होंने ये जो चेंजेस मारे हैं बहुत बढ़िया है भाई. Getting surrounded by a large number of enemies can be dangerous. Keep moving.
अबे पर मुझे तो सब देखना है, कैसे काम कर रही है ये गेम। आई वांट टू सी, क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? नहीं, उसे लगता नहीं। फक, सॉरी पुलिसमैन। आंटी रहन दे, भग रही है बहुत गंदे तरीके से आंटी तो। यस, सैटिस्फाइंग भाई, ये गेम है थोड़ी सैटिस्फाइंग ना। ये देख रहे हो, पांच लोगों को उड़ा रहे हो एक साथ। ओ भाई तू कहां से आया, टोपी मर गया। ओ भाई सो सैटिस्फाइंग यार, आई लव दिस। ओए इधर भी, कहां से वो पीछे से आ रहे हैं हराम को, स्मार्ट एसोल्स। नहीं ओ अबे कितनी बार हराम को मरते। अबे रुको, किसने फेंका पीछे वालों ने? नहीं मर गया। यस लेट्स गो ग्रैंडपा, भिड़ लो तुम्हारी। नहीं अबे ये कैसे ट्रिगर हो गया? अच्छा तो थोड़े से एनिमीज मारूं मैं तब भी ट्रिगर हो जाता है ये। ऑलराइट, पहले नहीं होता था भाई, मैंने बहुत एनिमीज मारे हैं पहले बचपन में, पर मैंने तबाही मचा रखी है। अबे जा तू बुड्ढे कल, अब मैं वो पुराना छोटा बच्चा नहीं रहा मैं, अभी हम स्मार्ट हैं, गेमर है एक्चुअल में। हाँ भाई आंटी कैसे? अबे मरी कैसे नहीं तू? ओए ये भैंस कहाँ से आ गई? बहुत कुछ हो रहा है, आई लव इट। ओ भाई पैसे देखो जरा कितने। आए वो दब गया, इनका टाइम हो गया चर्च का। तो चेनसॉ का क्या हुआ फिर? मैंने इनफ एनिमीज मार दिए। आई थिंक मैंने बचपन में भी यही किया था, मैंने बहुत एनिमीज मारे थे, पर ये तो बहुत जल्दी हो गया। वैसे बचपन में मेरे को बहुत मुश्किल लगता था ये पार्ट, ये तो वैसे बच्चे वाला है। और अभी तो मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूं, पहले तो ये शिफ्ट और एरो की इससे कंट्रोल होता था सारा एमिंग सिस्टम। ये चेनसॉ डेमो है भाई, उससे तो लड़े ही नहीं हम, वो भी चला गया घर को पूजा पाठ करने। Where's everyone going? Bingo? क्या लियोन का वॉइस एक्टर वही है? क्योंकि आवाज तो सेम लग रही है मुझे। तो बेसिकली इस विलेज पार्ट को इन्होंने चेनसॉ डेमो बोल रखा है, मुझे लगा मेरे को उसे मारना पड़ेगा। चेनसॉ से तो लड़े ही नहीं हम, मुझे उससे भी लड़ना था। एक ही में सुला दिया इसे तो। यस बच गया। इसमें फाइटिंग कितनी इजी है यार, ये बहुत सही लग रहा है मेरे को। अबे ये क्या हो रहा है? अच्छा वो दोबारा उग गया। इसके अंदर का पैरासाइट पागल हो गया था। रेजिडेंट इविल 3 और 2 में हम कितना हेल्पलेस रहते थे, इसमें कितना बढ़िया कर दिया इन्होंने फाइटिंग का सिस्टम कि तुम एक्चुअल में, फाइट्स अभी भी टफ है लेकिन एटलीस्ट फन है अब वो। तुम अपने आप को अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हो, बस यू नो सही टाइम पे पैरी करो और ये सब। चल कल कल। अबे कितनी बार भाई, पागल है क्या? तू लड़ ले राजा। डेड। ओके अभी मैं सब कुछ प्रॉपरली करने वाला हूँ। शॉटगन लेते हैं, ग्रेनेड लेते हैं, एंड देन चेनसॉ से फाइट करेंगे। Hey fellas, what's up? जाने तो दे भाई, धक्का दे रहा है। आओ। नहीं आंटी, नाइफ तो मेरा गया। आंटी दिख रही है मेरे को आती हुई। नहीं आंटी, क्या सोच रही हो आप?
अबे अंकल कहाँ? सॉरी बोल रहा है भाई, लियोन अच्छा बच्चा है। ओ बल ले धक्का। नहीं, गांव वाले चढ़ गए मेरे ऊपर। तुम्हारी नहीं यार, तुम तो बड़े बेकार लोग हैं। तो चढ़ गए तो मेरे को ग्रेनेड की हेल्प चाहिए। ग्रेनेड, यस लेट्स गो। कैसे भाई, कैसे टोपी? मेरे पास अभी भी शॉटगन बची है वैसे। ओ फ्लैश है मेरे पास, एक सेकेंड। इधर फ्लैश, और अभी ये लेट्स गो। किक, सैटिस्फाइंग। बूम बूम। नहीं, स्मार्ट नहीं। ये ज़ॉम्बी स्मार्ट है भाई, पकड़ लिया उसने पीछे से मेरे को ताकि वो मेरे को धड़ से अलग कर सके। ला भाई, बींग आउट नंबर्ड। अब समझ गया मैं, गेम मेरे को बोल रही है भागने के लिए, पर मुझे तो लड़ना है। लड़ने में तो मज़ा आता है। आई थिंक मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे यहीं पे लड़ सकता हूँ। हाँ भाई ना, मैं कह रहा गिर क्यों नहीं रहा ये बंदा। ला भाई नेड ले तू। हिप्स पे बेस्टी। नहीं आंटी, ऐसे नहीं करते। फक यू आंटी, मार मार इसे मार। ऑल राइट, ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं पहले, उसके बाद ग्रेनेड छोड़ेंगे, मजा आएगा। ओ वेट, मेरे पास ग्रेनेड नहीं है, फ्लैश है। भीड़ कहाँ है? फ्लैश बैंग आउट। बेस्टी, मारो किक मारो, किक मारो, इसे भी इसे भी। सैटिस्फाइंग। हाँ भाई छोरे। नहीं, यस लेट्स गो, यस लेट्स गो। ओ मेरी नहीं, मेरी गन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुको रुको अंकल जी, रुको जरा थोड़ी देर। अये गिमी गिमी टाइम, गिमी टाइम, गिमी टाइम भाई, भागो। मेरे को ये चाहिए। मारो मारो, किक मारो। नहीं, ओ फक भाई, ये तो बड़ा हैवी हो रहे हैं। आ नहीं अंकल, पीछे से नहीं। मरा 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 मरा। ग्रेनेड दे दो मेरे को, गन पाउडर दे रहे हैं तो। नहीं अंदर नहीं आना, अंदर आने के लिए किसने कही तेरे से? मरा, मेरे पास तो चक्कू भी ना है। अबे हट जाओ, नहीं हट जाओ, मेरे सामने से हटो, मेरे सामने से हटो। यस मार, किक मार, लेट्स गो लेट्स गो। किक मारो, किक मारो, फंस गया मैं। यस लेट्स गो। क्लच मार रहा हूँ मैं तो लिटरली। आंटी ऐसा नहीं करते। तेरी। ऑल राइट, इधर मेरे को मिलेगा, यहाँ तो आंटी बैठी थी लास्ट टाइम। आ सॉरी आंटी, मेरे को नेड चाहिए। ओ हैंड ग्रेनेड, यस लेट्स गो। मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। नहीं ऐसा नहीं करते। बूम। यार चार दिखा रहा था वो, एक ही। नहीं, फंस गया मैं। मुझे एक बार तो इसे हराना है। किक एंड देन शॉटगन, देन शॉटगन। यस, वो ये तो बहुत बढ़िया। लियोन तेरे हाथ पे लग कैसे नहीं रही ब्रो? मारो तेरी। दो और है अभी मेरे पास, एक सेकेंड, बंदे भी तो आ रहे हैं। यस मरा ब्रो, तू मर क्यों नहीं रहा? व्हाट द फक। यस लेट्स गो। मैं ये नहीं करने वाला था वैसे तो, पर हो गया वो अचानक से। अभी तो हेल्थ है मेरे पास, एवरीथिंग इज फाइन। ऊपर चढ़ता हूँ जरा मैं, यहाँ से निकलो यार। ओ एक मिनट, पकड़ो मत मुझे ऐसे। यार वो पहले तोड़ते नहीं थे, इसे तोड़ने क्यों लगे ये? पहले मैं यहाँ पे कितना सेफ फील करता था। ओ माय गॉड, ये तोड़ने लगे फिर। कैसे टूटता है ये? मार मार मार, बुढ़िया को मार। यस लेट्स गो। अंकल जी कहाँ से आ रहे हो आप? ओ फक फक, भागो। क्या मैं इधर जा सकता हूँ?
यस ओ मे बी नहीं नहीं जा सकता मैं फक इस विलेज में कितने लोग हैं होली शिट वो ओबे भाई ये क्या कर रहा है ये क्या कट सीन देखने को मैं ओ नहीं यस अच्छा डैम बढ़िया था ये पर यस गिव मी दैट शॉटगन शेल्स यही चाहिए थे मेरे को लेट्स गो और भाई कितने लोग हैं भाई वो तो पागल हो गया है वो तो लिटरली सबको मार रहा है मरता क्यों नहीं तू मारो मारो किक मारो किक नहीं फक फक नहीं शॉटगन फंसा गया मैं यस नहीं फक यू मर गया वो नहीं मेरे को नहीं रुको ना आ, स्प्रे यस मार दिया भाई जो मेरा टास्क था वो तो मैंने कर ही दिया पर ये मानते ही तो ना कितने लोग हो रहे हैं व्हाट द फक अबे ये थी वो गायें जो जल गई थी ओ भाई ये क्या अच्छा ऐसे आंटी नहीं ऐसे नहीं करते अबे मेरी तरफ आ रही है ये गायें नहीं आंटी ऐसा नहीं करते अभी तो बोला मैंने ड्रामी बच गया यस लेट्स गो अभी दोबारा बज रहा है वो चर्च ना नहीं चलते कमीनो बोल रहा है वो मेरे को आंटी उधर जा आग में अपना मुंह दे ऐसा ही तो होता था पहले अभी तक बेल नहीं बजी है और मैं पागलों की तरह घूमने लग रहा हूँ इधर उधर कहाँ से आ रहे हो तुम लोग यार इतने भाई ये देखो सीढ़ी तोड़ दी इन्होंने ये सब बच गया वो चल तेरी मारूंगा तो सही तेरे को मैं ओए नहीं अब मैं नहीं मार पा रहा ऑलराइट फेलोज डेमो के लिए बस इतना ही एंड आई एम सुपर फ्रीकिंग इंप्रेस्ड भाई इन्होंने चेंजेस तो करे हैं लेकिन गुड चेंजेस हैं वो ये मीली कॉम्बैट सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लगा और जिस हिसाब से ये रिएक्ट लाइक ये इंटरैक्शन जॉम्बीज और मेरा ना बड़ा सही लग रहा है भाई जिस हिसाब के ये मेरे को क्यूटीज टाइप मिल रहे हैं मैं पैरी कर सकता हूँ और ये सब बहुत मज़ा आ रहा है इन्होंने और हॉरिफाइंग बनाए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड वो जो आगे के बड़े विलन्स आने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए भाई ये गेम बहुत बहुत पसंद आने वाली है लोगों को आई एम प्रिटी श्योर रेजिडेंट ईविल 7 की जो रिस्पेक्ट है ना वही या फिर उससे ज़्यादा इस गेम को रिस्पेक्ट मिलने वाली है ये गेम मेरी फेवरेट थी एक रीज़न की वजह से मैंने सारी रेजिडेंट ईविल गेम्स खेली हैं ये ना मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस बना के रखती है ये वाली गेम होप यू गाइस एंजॉयड द डेमो आई एम सुपर फ्रीकिंग एक्साइटेड और मिलते हैं जब ये गेम पूरी रिलीज हो जाएगी तब अगर ये वीडियो पसंद आई है ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर ये सीरीज आगे मिस नहीं करना चाहते और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स प्रिटी वियर्ड जस्ट क्लिक ऑन इट इट्स फ्री और बाकी मैं चला गुड बाय